आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी लैब में यूज़ होती हैं जो मेज़र करने के लिए अलग अलग चीज़ों को और अलग अलग एक्यूरेसीज की पैरामीटर्स के हिसाब से यूज़ में आती है। जैसे एक बार मैं आपको सिर्फ व्यू दिखा देता हूँ, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये दूसरे मर्करी का और एल्कोहल के थर्मामीटर्स हैं, इसमें आप नीचे देख सकते हो स्लॉटेड वेट्स कहलाते हैं ये, इसमें 50 ग्राम 10 ग्राम और ये 250 ग्राम का आता है। एक स्टॉप क्लॉक्स यूज़ करी जाती हैं और मैकेनिकल वाली हैं, जिसमें डिजिटल भी आती है ऐसी वाली, और उसके अलावा हमारे पास स्टॉप वॉच होती हैं जो बहुत हाईली 1/100 ये टाइम से मेज़र करती है। इसी तरह से हम फ्लैटनेस एंड राउंडनेस, जैसे ये एक आपको वॉच ग्लास दिखाई दे रही है, इसकी कितना डायमीटर है कितना, उसका मेज़र करने के लिए सफेरोमीटर यूज़ होता है। किसी चीज़ की थिकनेस यूज़ करने के लिए उसको ये स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। किसी चीज़ की इसमें तीन पैरामीटर्स हम नोट कर सकते हैं, ये वर्नियर कैलिपर है, किसी का इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और डेप्थ, तीन चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ये IME टाइप कहलाता है, कि सिंपल वाला कहलाता है, और एक ये डिजिटल आते हैं आजकल हाईली एक्यूरेट, एक ये बायोलॉजी की मैक मास्टर स्लाइड्स, एग्स और लार्वा जो स्मॉल होते हैं स्लाइड में देखने के लिए यूज़ करे जाते हैं। स्केल्स तो आप सब देखे ही होंगे लैब में, बचपन से देखे हुए हैं, और ये चीज़ें यूज़ करी जाती है। अब मैं आपको इनका वन बाय वन एक एक अलग अलग चीज़ें कैसे मेज़र होनी है और कैसे उनके एक्यूरेसीज हैं, ये थर्मामीटर क्लिनिकल और इनके यूज़ बताऊंगा। अब हम और हमारी अलग से वीडियोस आप देखिए, उनको एब्रॉन एक्सपोर्ट्स को विज़िट भी करिए, और यू कैन बाय दोज थिंग्स, प्लीज़ विज़िट वेबसाइट एब्रॉन एक्सपोर्ट्स, एब्रॉन 01@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।